हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपा, योर फैशन गाइड। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि उनके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है या कौन से कलर का कौन सा शेड अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और मैं इसी टॉपिक पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें हर बार मैं एक कलर चूज करूंगी और उसके डिफरेंट शेड्स के बारे में बात करूंगी कि कौन सा शेड किस स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्किन टोन क्या है और उसका अंडरटोन क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है स्किन टोन। स्किन टोन जो विजिबल है, जो वेदर के हिसाब से वेरी करता है। समर्स में कभी कुछ और हो जाता है, विंटर्स में कुछ और, ज़्यादा सनलाइट में चले गए तो टैन हो जाता है, तो वो वेरी कर जाता है आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से। और एक होता है अंडरटोन, जो कभी वेरी नहीं करता, ये हर पर्सन का स्पेसिफिक होता है, या तो कूल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, या न्यूट्रल अंडरटोन है। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी या तीन चार तरीके बताऊंगी जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है। सबसे फर्स्ट, आपकी वेंस। आप नॉर्मल डे लाइट में जाइए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सनलाइट है या बहुत ज़्यादा हम जो घरों में ट्यूब लाइट्स हैं लाइट्स में, उसमें नहीं, जो नॉर्मल डे लाइट है उसमें आप खड़े हो जाइए और अपने वेन का कलर देखिए। अगर ये आपको ब्लूइश पर्पलिश दिखता है तो इसका मतलब आपका कूल अंडरटोन है, और अगर आपकी वेन ग्रीनिश दिखती हैं तो आपका वार्म अंडरटोन है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब आपका न्यूट्रल अंडरटोन। सेकेंड तरीका है जानने का, आप कोई प्लेन पेपर की शीट लीजिए और उसको अपने नेक या चेस्ट एरिया के पास रखिए, और नॉर्मल डे लाइट में जब आप वाइट के अगेंस्ट अपना स्किन टोन देखोगे तो अगर वो आपको पिंकिश नज़र आता है तो इसका मतलब आपका कूल अंडरटोन है। अगर आपको वो पेल येलोइश नज़र आता है, पीच नज़र आता है, तो इसका मतलब वो वार्म अंडरटोन। लेकिन अगर इन दोनों में से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो शायद आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। तीसरा तरीका है, आप गोल्ड ज्वेलरी ले लीजिए और सिल्वर ज्वेलरी ले लीजिए, उन दोनों को भी आप यहाँ नेक एरिया या चेस्ट एरिया के पास रखिए। एक बार गोल्ड रख के देखिए, एक बार सिल्वर, तो जो आपकी स्किन टोन के संग मैच करती है, जिसको रखने से आपका स्किन का कलर खिल के आता है, वो आपका डिसाइड करेगी कि अंडरटोन क्या है। अगर सिल्वर आपके साथ ज़्यादा खिल के आ रहा है तो मतलब आप कूल अंडरटोन वाले हो, और अगर गोल्ड ज़्यादा खिल के आ रहा है तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन के साथ, और आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो इट मे बी कि आपका टोन अंडरटोन है वो न्यूट्रल हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कौन सा अंडरटोन है। और एक तरीका और भी है जानने का, अगर जैसे आप कूल अंडरटोन वाले हो तो आप जब सन में बाहर जाते हो तो आपको स्किन बर्न्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो आपको स्किन बर्न नहीं होंगे, आपकी स्किन पे टैनिंग आ जाएगी। तो ये भी है एक तरीका जानने का कि आपका अंडरटोन क्या है स्किन का। तो जब आप ये जान लोगे, डिसाइड कर लोगे कि कौन सा स्किन टोन है आपका और अंडरटोन कौन सा है आपका, उसके बाद आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए हर अंडरटोन के हिसाब से कौन सा कलर सूट करता है, सपोज़ रेड है तो रेड का कौन सा शेड आपके ऊपर अच्छा लगेगा, ब्लू का कौन सा शेड आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो कीप वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।